वी आर इन हरिद्वार, हर हर गंगे। गंगे में आप देख सकते हो आप, फुल उफान पे है। यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, बोले अपनी अपनी कावर का इंतजाम करने। आप यहाँ से सब कुछ खरीद सकते हैं, टी शर्ट, जल ले सकते हैं, जल के लिए कैन ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। आप देख सकते हो सुबह के 5:30 भी ठीक से नहीं बजे हैं और ये यहाँ पर क्राउड है। दिस इज द क्राउड। जिस हिसाब से दिखाया जा रहा था साफ़ सफाई के बारे में, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा साफ ही है। मतलब इतना नहीं कहूँगा कि साफ़ है, बट उसके हिसाब से साफ है। आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा, ये हर की पेड़ी के लिए रास्ता जाता है सीधा, हर की पेड़ी के लिए रास्ता जाता है यहाँ से सीधा। ये रवि है, मेरा छोटा भाई, हम दोनों एक साथ आए हैं जल लेने के लिए। ये आप देख सकते हो, आराम से शॉपिंग कर सकते हो, हर चीज़ के बारे में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर, कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी लेने में। मैं थोड़ा सा आपको गंगा के पास ले जाके दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है। आई होप यू एंजॉय द, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो आप दर्शन कर सकते हो यहाँ से। सब बोले तैयारी कर रहे हैं, कुछ बोले सो रहे हैं। अब ये उठेंगे फिर तैयारी करेंगे कावड़ की, कुछ यहाँ से कावड़ लेके जाने वाले हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। क्राउड ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा होगा, क्राउड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया क्राउड है। आप यहाँ से सीधा मनसा देवी के दर्शन कर सकते हो, आप सीधा दर्शन कर सकते हो मनसा देवी के यहाँ से। ये मनसा देवी है, आप लाइव दर्शन कर सकते हो यहाँ से। यहाँ गंगे मैया, लुक एट द क्राउड, द 5:30 टुडे, लुक एट द क्राउड, मॉर्निंग का व्यू है ये। अब हम हर के पेड़ी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे म्यूजिक सिस्टम लेके आए, सब एंजॉय कर रहे हैं अपने हिसाब से, जिसको जैसा ठीक लगता है। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर भी बाइक ले आते हैं। यहाँ पर भी कावड़ है। अब हम हर की पेड़ी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको फिर दूसरे ब्रिज से आपको नया न्यू लोकेशन दिखाऊंगा। ये आपको जो व्यू दिख रहा है, ये आपको जो मॉर्निंग दिख रही है सुबह के, जो 6 बज रहे हैं, आप करीबन 6 बज गए हैं, ये 31st of August, जल से 2 दिन पहले का ही व्यू है ये। आप पानी की मात्रा देख सकते हो, जल की मात्रा देख सकते हो, कितना तेज़ हो चुका है, कितना अच्छा भराव हो चुका है। पहले कितना कम था और अब कितना अच्छा हो गया। और यहाँ पे अच्छी तरह से लोग सो रहे हैं सब, सुबह हो चुकी है। आप दोबारा मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखो बड़ा ही सुंदर नज़ारा है।
ये दूसरी तरफ से है, पहला ब्रिज वो था जो पार हो गया है, अभी सेकंड ब्रिज है। अभी तक काफ़ी फैमिलियाँ सो रही है। अब हम हाथी पुल की तरफ आ गए हैं। हाथी पुल की तरफ आ गए अब हम। यहाँ से और भी अच्छा नज़ारा हो जाता है माता का, आप देख सकते हो सुबह का टाइम है। बड़ा ही ठंडा शांत, और जो जल की आवाज़ है उससे इतना अच्छा लग रहा है। पूरी रात जो दिल्ली से लेके हरिद्वार तक बाइक चलाई है उसी सारी थकान ख़त्म कर दी। हाथी पुल तक आपको यहाँ पे सारा कुछ आराम से मिल जाएगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी भीड़ नहीं है अभी तक फिलहाल, आप देख सकते हो। सारी चीज़ें आराम से मिल रही हैं। ये हाथी ब्रिज से नज़ारे हैं, आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत ही ठंडा महसूस कर रहा है, इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे एकदम फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है। आप जल का बहाव देख सकते हो। घर वालों ने पहले ही कहा था इस ग्रिल के उस साइड ना, इस ग्रिल के ये जो ग्रिल है उसके उस साइड ना, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम उससे भी ऊपर जाके नहाएं, ताकि घर वालों को पता ही ना चले कि हम। आप यहाँ से देख सकते हो शिव ब्रिज जो है वो यहाँ से दिख रहा है, शिव सेतु यहाँ से दिख रहा है। अभी हम शिव सेतु के पास ही जाएंगे। यहाँ पे आप भोले बाबा की मूर्ति देख सकते हो, हरिद्वार की सबसे फेमस मूर्ति है। और ये हमारा घंटाघर, व्यू देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर व्यू है। और यहीं से हमारा ये दूसरा व्यू था जो कि हम फर्स्ट ब्रिज सेकंड ब्रिज से हम यहाँ पर पैदल आ रहे हैं। और यहाँ से कुछ झूला कांवड़ ले जाते हुए कांवड़िया, ये पूरा ही एक ग्रुप है जो कि काफ़ी दूर तक नज़र आ रहा है। और ये व्यू है दोबारा जल का, शिव सेतु आपको अच्छे से दिखा दिया हमने, और भी आगे दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ।